वेलकम टू अवंतीज किचन। आज मैं एक प्रॉन रेसिपी मतलब एक चिंगड़ी माछ का एक रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। इसे बंगाली में बोलते हैं पुई चिंगड़ी, मतलब पुई के पत्ते। ये एक लीफी वेजिटेबल्स है और उसके साथ प्रॉन। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये देखिए, इस जगह में मैंने लहसुन और हरी मिर्ची रखी हूँ, और इसके अलावा नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और प्रॉन को मैंने थोड़ा सा सॉटे कर लिया सरसों की तेल में, मस्टर्ड ऑयल में। आप चाहे तो कच्चा भी रख सकते हैं, पर मुझे इसी तरह से पसंद है तो मैंने इसीलिए इसलिए किया। और पुई के पत्ते और स्टेम मैंने दोनों अलग से काट के पानी में धो के रख दिया। और इसके अलावा चाहिए काशुंदी यानी मस्टर्ड सॉस। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो आप मस्टर्ड पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मस्टर्ड के सीड को थोड़ा पानी के मदद से हरी मिर्च डाल के मिक्सी में अगर ब्लेंड कर लेंगे तो मस्टर्ड पेस्ट बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। ये देखिए, मैंने जिस कढ़ाई में प्रॉन को थोड़ा बहुत सॉटे कर लिया था मस्टर्ड ऑयल में, मैंने बोला था उसी कढ़ाई में ही मैंने ये बनाऊंगी। तो उसी का ही थोड़ा बहुत तेल मेरा बच गया था, उसी में ही मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, लहसुन की 2-4 कलियाँ मैं डाल दिया। तेल अभी तक गर्म नहीं हुआ, मैं गैस को थोड़ा हाई कर देती हूँ, गर्म हो जाएगा। ये देखिए गर्म हो गया। इसमें अब मैं 2 हरी मिर्ची डाल दिया, और इसमें मैंने पहले वो डंठल, नीचे जो डंठल है उसको थोड़ा बहुत इसको भूनना पड़ेगा ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये पकने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है पत्ते के मुकाबले में, तो इसीलिए इसको पहले डालना होता है। और पत्ते को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसलिए पत्ते को बिल्कुल आखिर में डालूंगी मैं। अब इसको छोड़ देती हूँ ढक के लगभग 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो गया, मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से पक गए। ये देखिए, ये पूरी तरह से पक गए। अब मैं इसमें झींगा मतलब चिंगड़ी यानी प्रॉन डाल देती हूँ। ये देखिए, अगर प्रॉन अगर कच्चे रहते, अगर मैं कच्चा रहता बिना सॉटे किया हुआ, तो मैं और थोड़ा पहले इसे डालना होता था, पर ये थोड़ा बहुत पक गए तो इसलिए मैंने इसको इस स्टेज पे डाली। अब मैं इसमें काशुंदी डाली थोड़ा सा। बस इतना काफी होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा ये पत्ते अभी भी डालना है, और पत्ते में बस कुछ बूंदे पानी, पत्ते डालना है अभी भी, और पत्ते से पानी तो निकलेगा ही इसीलिए। अब मैं इसमें पुई के पत्ते डाल दूंगी। ये लीफी वेजिटेबल है, ये पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा, मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। सारे पत्ते मैंने डाल दिए।
अब मैं इसमें नमक हल्दी और लाल मिर्च जो था वो डाल दिया। हल्दी आप पहले भी डाल सकते थे पर मैंने इसको बाद में डाला, हल्दी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इसको ढक दूंगी। लगभग 7 मिनट के लिए छोड़ दो। मुझे लग रहा है कि सब कुछ पक गया। ये देखिए पत्ते भी पूरी तरह पक गए, प्रॉन भी पक गए और ये देखिए। अगर आप चाहे तो ये पानी रख भी सकते हैं, अगर चाहे तो सुखा भी सकती है, जैसे आपको खाना हो आप उसी हिसाब से खा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सुखाना ही पड़ेगा पूरी तरह, और ये भी जरूरी नहीं है कि इतना पानी रहेगा तो खाया नहीं जाएगा। ये देखिए अगर सुखाना है तो और कुछ ही मिनट रखना पड़ेगा गैस को ऑन करके, और अगर इसी तरह खाना है तो स्टेज पे आप बंद कर सकते हैं। मैं तो इसको अभी स्टेज पे ही बंद करूंगी। चलिए मैं गैस को बंद कर रही हूँ और मैं अब इसको सर्व करूंगी। ये देखिए मैंने इसको सर्व किया। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आऊंगी और कोई दूसरी तरह की रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कुकिंग।